हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मॉर्निंग से हो रही है ब्लॉक स्टार्ट, अभी बज रहे हैं 10:30। तो आज सुबह से ना हालत खराब हो गई है, मतलब कमर इतनी टूट गई है ना, काम करते करते, और काम निपटने में ही नहीं आ रहा है। एक तो कपड़े खत्म नहीं हो रहे हैं, ऊपर से है कि मतलब मैंने आज पूरा वॉशरूम वगैरह सारा साफ किया, कुछ हाथ से धोने वाले कपड़े थे वो भी धोए, कुछ अभी रख रखे हैं अभी धोने के लिए वो भी हैं, तो कुछ मैंने मतलब कल शाम को धो दिए थे। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, मुझे लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से कुछ बनाती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे हो रहा है तवा गरम, तो रात की दाल सब्जी बची हुई है उसी में मैं रोटी खाने वाली हूँ, और अपने लिए बना रही हूँ मैं रोटी। जैसे चाहे मैं अपना लंच मानूँ चाहे ब्रेकफास्ट मानूँ, मतलब ये ब्रंच ही हो गया एक टाइप से। दिन का दिन में देखेंगे, भूख लगेगी तब का तब सोचेंगे। तो बस अभी 2 बजे जाऊंगी और तब तक निपटाना है मुझे और भी काम। तो अभी बहुत सारे काम बज रखे हैं, अभी किचन का हूलिया चेंज नहीं किया है मैंने, क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो बाकी आगे की जो जो होती रहेगी प्रोसेस वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो फटाफट से मैं करती हूँ अभी ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो वॉशरूम साफ किया था, तो सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं अभी, तो इनको भी लगाना है। तो पहले मैं ये पायदान जो मैंने धोए थे उनको डाल के आती हूँ छत पे, क्योंकि अभी तेज़ धूप हो रही है, और फ्रिज के ऊपर भी देखो आप इतना गंदा हो रहा है, तो इसको भी अभी साफ करना है मुझे। तो पहले ये पायदान डाल के आते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी वुलन वाली एक स्वेटर वॉश की है, तो ये जो वॉश की है मैंने, तो मैं इसको किस तरीके से सुखाती हूँ धोने के बाद, तो मैं इजी का यूज़ करती हूँ वुलन वाले कपड़ों को धोने के लिए। तो जो ये ऊन वाले स्वेटर्स होते हैं ये ज़्यादातर मैं हाथ से धोती हूँ और मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मशीन में ना थोड़ा सा फैल से जाते हैं ये, तो इस वजह से। तो अभी एकदम से ना जैसे धोए हैं ये, तो तार में नहीं डालना होता है स्वेटर को सीधे, मतलब पहले पानी निकालने के लिए रखना होता है इकट्ठा करके। तो मैंने भी जो ये पिलर है इसमें रख दी है ये स्वेटर पानी निकालने के लिए इसका, तो जब इसे सारा पानी निकल जाएगा मैं तब इसको डालूंगी छत में तार में। तो 1-1.5 घंटा मैंने मतलब ऐसे ही रखा इसका, जब तक पानी नहीं निकला, तो काफ़ी पानी था इसमें वैसे भी, तो फिर मैंने तार में डाल दिया, और तार में भी बिल्कुल एकदम फैला के नहीं डाली है स्वेटर, अलग मतलब इकट्ठा ही करके डाल। तो मैं अभी लगा रही हूँ वॉशरूम का सामान, शायद आप लोगों को यहाँ पे ना दिखे नहीं, क्योंकि जो ये खिड़की है ना इससे पूरी धूप आ रही है अंदर और लाइट आ रही है, तो इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। आज इस वॉशरूम को साफ करते करते ना हालत खराब हो गई है, मतलब कलर की ब्रांड मिल गई इसको धोते धोते। तो इतना ये ना मतलब अननेसेसरी रखा हुआ है वॉशरूम में। तो ये एक एंटीसेप्टिक लिक्विड है जो इनको मिला था कोविड के टाइम पे ऑफिस से, तो इसको मैं पोचे में यूज़ करने वाली हूँ, तो इसको मैं भारी रखूँगी ताकि मुझे याद रहे कि पोचे में यूज़ करना है ये। तो ये देखिए, मतलब घर में इंसान होंगे दो, आदमी दो हैं, और ब्रश देखो आप कितने चट्टे हो रखे हैं, ब्रश के बेमतलब के ब्रश रखे हुए हैं।
जो मतलब मेरा खुद का ब्रश है ना वो देहरादून छोड़ गया है। और मतलब हमेशा मेरे साथ क्या होता है ना कि जब भी मतलब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ब्रश लेके जाती हूँ, तो अपना ब्रश मैं कभी वापस नहीं लेके आती हूँ, मतलब औरों को ब्रश लेके आती हूँ मैं। तो इस बार भी मैं देहरादून गई और पता नहीं मतलब ब्रश जब फील आ जाती है ना, जब मुँह में रखते हैं तो पता चल जाता है कि अपना है कि नहीं है। तो अभी भी मुझे इस पर डाउट हो रहा है ये मेरा है कि नहीं है, तो देखेंगे। तो फेंक रही हूँ मैं इन सब ब्रशों को, ये देखो कितने हैं, कुछ फ्रिज के ऊपर भी रखे हुए हैं। तो ये मेरी मम्मी के ब्रश हैं, जब मतलब मम्मी हॉस्पिटल में थी ना तो उस टाइम पे भी मैं अपना ब्रश लेके गई थी, लेकिन अपना खुद का ब्रश वहाँ छोड़ के लेके आई और इनको लेके आई हूँ यहाँ पर, ये देखो। तो इतने अननेसेसरी के ब्रशेस है ना, किचन में भी ब्रश, यहाँ भी ब्रश, वहाँ भी ब्रश, और ये सब मैं ही लेके आ रखी हूँ ये ब्रश, क्योंकि मैं जहाँ लेके जाती हूँ छोड़ देती हूँ, फिर यहाँ खरीदती हूँ नए। इनको भी फेंकेंगे, कोई यूज़ के नहीं है ये, फालतू अननेसेसरी वहाँ पे इतना भर रखा है। और ये कौन करेंगे आज साफ, तो सर्फ का एक डब्बा भर के मैंने अंदर रखा रहता है वॉशरूम में, एक डब्बा भर के मैंने बाहर रखा रहता है, क्योंकि कभी क्या होता है कि हाथ से कपड़े धोने होते हैं तो उसके लिए सर्फ चाहिए होता है, तो कभी बाहर ही छूट जाता है सर्फ, सर्फ फिर याद आता है कि अरे वॉशरूम में तो सर्फ है ही नहीं। तो इसलिए मैंने दो डब्बे बना रखे हैं, एक वॉशरूम में रहता है एक बाहर रहता है। तो ये वॉशरूम वाला है तो ये जाएगा वॉशरूम में। तो फ्लोर की क्लीनिंग जो मेरी होती है वो होती है जो हार्पिक का आता है ना रेड वाला, हाँ, फ्लोर क्लीनर, उससे करती हूँ मैं, या थोड़ा सा डिटॉल विटॉल डाल के फिर साफ करती हूँ मैं। तो अभी जो ये पीछे कपड़े हैं ये मैंने तय लगा के रखे हैं, इनको एक ही साथ संभालूंगी, क्योंकि इनके लिए ना बैग्स नहीं बचे हैं, जो ऑर्गेनाइजर है वो नहीं बचे हैं। और ये वाले जो चेयर में रखे हैं ये मेरे डेली यूज़ वाले कपड़े हैं, और कुछ जो इधर उधर जाने वाले हैं, तो इनके लिए मैंने हैंगर ऑर्डर कर रखे हैं, लेकिन अब वो हैंगर पता नहीं कब तक आएगा, तो मैंने इसलिए यहीं पे रखे हुए हैं ताकि मैं सीधे हैंगर पे लटका दूँ इनको अंदर अलमारी में। तो ये कपड़े मैंने कल धोए थे तो वो भी आ गए हैं, तो मुझे ना अंदर की जो अटैचियाँ हैं वो खाली करनी, खाली है वो, उनको लेके आना पड़ेगा, और फिर मैं जो ये गर्म कपड़े हैं उन्हीं में डाल दूँगी, क्योंकि खाली हैं, हम लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं उनको, तो इसलिए। और आज मशीन भी ना मेरी मतलब कुछ कर रही है, उस कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े धो दिए मैंने 2-3 दिन से, तो कपड़े ना साफ़ नहीं आ रहे, मिट्टी मिट्टी जैसे आई है उन कपड़ों में, तो उसको भी अब क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके क्लीनिंग मैं पता नहीं कब करूँगी, आज अभी शाम को आके मुझे पहले मंडी भी जाना है, सब्जियाँ भी लानी है, कोई भी सब्जी नहीं है घर पे, और फ्रिज की भी क्लीनिंग करनी है। तो देखते हैं कब टाइम मिलता है इतना सब करने के लिए। थोड़ा बहुत मैंने राशन मंगाया था, वो भी धीरे 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 आ रहे, जो मार्ट से एक साथ ही नहीं भेजते हैं, वो भी कभी 2 चीज़ें आ रही कभी 3 चीज़ें आ रही हैं, तो बस वही। तो किचन का भी अभी करना है मुझे ठीक ठाक, तो चलिए पहले मैं फटाफट से पोछा लगाती हूँ। लाइट तो चली गई, अब लाइट सीधे अब 5 बजे आएगी शाम को, तो वैसे मेरी हिम्मत तो हो नहीं रही है पोछा लगाने की कि मैं पोछा लगा पाऊँ, क्योंकि मेरे कमर में बड़ा दर्द हो रहा है आज, क्योंकि मैंने वॉशरूम ना आज मतलब अच्छे से ऊपर से जाले वाले साफ करके, पूरी जो खिड़की है उसकी, उसमें भी पूरा मतलब धूल मिट्टी चिपकी हुई थी वो भी साफ किया मैंने। तो पोछा लगाने का तो नहीं हो रहा है मेरा मन, लेकिन क्या करें, पोछा तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाथरूम का सारा पानी यहाँ बाहर आ चुका है, और ये यहाँ की भी डस्टिंग करनी है मुझे अभी, खिड़कियों की ये भी काफ़ी गंदी हो रखी है। तो चलिए फिर पहले पोछा लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो जो ये जैकेट है वगैरह थी ये मैंने वॉश करके रख ली थी, तो यहाँ पे मेरे पास ना 2-3 लगेज थोड़ा खाली थे, तो इसलिए मैंने इन्हीं लगेज में ये सारे स्वेटर्स भर दी हैं, क्योंकि जो मेरे ऑर्गेनाइज़र थे वो ख़त्म हो गए थे, उनमें मैंने सारे कपड़े भर दिए हैं, तो ये लगेज भी ऐसे रखे हुए थे, तो इसलिए मैंने इन्हीं लगेज में सारे कपड़े भर के रख दिए। Way, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day. Green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause a good die young. Yeah, a good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. आज है फूल डे,
का त्यौहार जो होता है, मतलब गढ़वाली और कुमाऊनी लोग करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मीठा मीठा बनाते हैं हम लोगों में, थोड़ा पकोड़े वकोड़े बनाते हैं। तो आज से क्या होता है, फूल डालने वाली जो प्रथा होती है ना, वो होती है कि 1 महीने तक जो लड़कियां होंगी वो फूल डालेंगी सबके घरों में जाकर। तो ये होता है, अब पता नहीं यहाँ पे कैसा होता होगा, यहाँ पे पलक तो बोल रही थी कि सिर्फ अपने घर में डालना होता है, लेकिन हम तो जाते थे बचपन में, सबके घर जाते थे, पूरे गांव में जाते थे फूल डालने के लिए। तो ये एक तरफ से ये है कि जो मतलब बसंत ऋतु है उसका स्वागत करने के लिए होता है ये वाला जो त्योहार होता है। तो बस मैंने भी थोड़ा सा भी क्या किया कि पकौड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा आलू काट दिए हैं, और आलू के साथ साथ मैंने आटा गूंद दिया है पूरी बनाने के लिए। तो पूरी बनानी कोई ऐसे नेसेसरी नहीं है कि पूरी बनानी है, पकौड़ी तो चलो ये होता है कि शगुन होता है थोड़ा सा, तो वो करना होता है। तो पूरी बनाने का मेरा कुछ मत वो नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो पकौड़ियाँ बना रही हूँ तो पूरी बना देती हूँ, सब्जी बनाने की जरा छुट्टी हो जाएगी, सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे जाना है फिर मंडी, आज बुधवार है और घर में सब्जियाँ भी कुछ नहीं है, तो मंडी से सब्जियाँ लेके आनी है, तो हाँ फिर लेट हो जाएगी, तो खाना ही बनाने में रह जाऊंगी मैं। और अब ना गर्मी भी स्टार्ट होने लग गई है, आप देख सकते हो बिना फैन के बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि बनाते हैं पहले फटाफट से खाना खाना और पकौड़ी पूरी, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आलू काट के रख दिए हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज काटा हुआ है, तो प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी थोड़ा सा। तो सुबह से मुझे याद ही नहीं था कि फूलदेई है, वो जब मैंने दिन में नेट खोला तब देखा कि फूलदेई आज है। तो ये पूरी पकौड़ी मैंने भगवान जी के लिए बना दी है, इनको चढ़ाएंगे। और इस वाले में ना मैंने, इस मसाले में मैंने प्याज मिक्स कर दिया है, ये हम लोग खा लेंगे अब। और वो मैंने रख दी है वहाँ पर चाय। तो पूरी पकौड़ी हो गई है भगवान जी के लिए तैयार, तो चलिए पहले पूजा करते हैं फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो पूजा कर ली है और भगवान जी को भी चढ़ा दिया है भोग। तो यहाँ पर मैंने बना दी है पूरियाँ और पकौड़ियाँ भी बना दी हैं, थोड़ी सी बन गई हैं और थोड़ी अभी बन रही हैं। तो साथ ही साथ मैंने दूध गर्म करने के लिए भी रख लिया है और चाय भी हो रही है गर्म। बाकी अमित को भी दे दी है मैंने पूरी पकौड़ी। तो अब जाऊँगी मैं खा पी के मंडी। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है और अभी जाना है मुझे मंडी, 7:15 हो गए हैं, तो मंडी जाने का मन नहीं हो रहा मेरा अब, क्योंकि खाना खा के आलस आ जाता है ना, तो मैं इसलिए मैं पूरे काम बिना खाए कर लेती हूँ, खाने के बाद मेरा बुरा हाल हो जाता है। तो आज मेरी मतलब आंखें भी सूजी सूजी सी लग रही होंगी ना, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, वैसे ट्रैवल की थकान और फिर यहाँ आके लगे रहना वो सब हो रहा है। ऊपर से ना मेरा काजल भी पता नहीं कहाँ खो गया, एक नया काजल मैं लेके आई थी पता नहीं कहाँ खो गया, तो मैंने दोबारा से मंगाया है जियो मार्ट से, लेकिन वही है जियो मार्ट वाले अभी लेके नहीं आएंगे, डिलीवरी दिखा रहा है उसकी अभी 20 को, तो इसकी वजह से भी लग रही है थोड़ी सी आँखें। तो अभी जाना है मंडी और मेरा हो रहा है सोने का मन, तो चलिए पहले मैं मंडी चलती हूँ, आपको भी ले जाती हूँ अपने साथ, तो फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो टाइम हो रहा है 9 बजे का और मैं मंडी में मैंने सब्जी ले रही थी, तो ऊपर से ये व्यू ले रही हूँ मैं आपको। तो मुझे घर से लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है, अब सब्जियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन अब यहाँ पे भीड़ स्टार्ट हो रही है। तो अभी बस मैं जा रही हूँ घर, और घर जाने के बाद मैं आगे का कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। तो आज के इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको अब कल के ब्लॉग में। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बने रहिए मेरे साथ मेरे कल के ब्लॉग के लिए। तब तक ले, बाय बाय, गुड नाइट।